यारो आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग के गैलेक्सी J7H के बारे में। तो यार आप लोगों को पता होगा ये वाली बात कि गैलेक्सी के जो सैमसंग जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हैं, और सैमसंग के बाद खुद भी पता है इंडियन मार्केट के अंदर उनका बिज़नेस पूरा इस टाइम पर ठप हो चुका है। और गाइज मैं चाह रहा हूँ कि उनकी तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन आए जो कि एक बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ अच्छा हार्डवेयर और एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करे। बिकॉज गाइज जो मैं भी हूँ, मैंने भी अपना जो पहला स्मार्टफोन लिया था वो मेरा सैमसंग का ही था, एंड के सैमसंग के साथ एक टच था। सैमसंग की जो कहते हैं ना एक वो प्रीमियम ब्रांड है, बहुत टाइम से है मार्केट के अंदर, तो दे नो देयर कस्टमर्स वेल। बट पता नहीं 2 साल के अंदर उन्हें क्या हुआ, 2 साल के अंदर उन्होंने अपने इंडिया के अंदर पूरी की पूरी मार्केट खत्म कर दी। मुझे पता है सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस आर द बेस्ट डिवाइस, और सैमसंग के छोटी डिवाइस होते हैं वो हैंग करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज जो उन फोनों की रोम्स होती हैं वो पोर्ट करी जाती है बड़े डिवाइसेस की तरफ से, तो इसलिए वो फोन लैग करने लग जाते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है गाइज, लेकिन मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर गैलेक्सी J7H के बारे में। तो गाइज ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी वो इसलिए बताई थी क्योंकि आप लोग कमेंट के अंदर कहते हो यार सैमसंग बहुत बकवास कंपनी है, Xiaomi इज बेस्ट, Motorola इज बेस्ट, Nokia इज बेस्ट, एंड दैट। हर कंपनी एक अच्छी हो, एक तरीके से अच्छी भी होती है और हर कंपनी की अच्छी बुराई भी होती है। तो किस वही सैमसंग के साथ है, सैमसंग जितने अच्छे प्रोडक्ट बनाती है उस तरफ से उनका जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा कम रहता है। अगर मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए, हार्डवेयर देख लीजिए, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उनकी एक चीज़ जो मेरे को सबसे गंदी लगती है वो है उनका इकोसिस्टम। मतलब कि आप लोग अगर इस एप्पल के इकोसिस्टम में आ गए तो मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, वो वाला टॉपिक हम किसी अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। बट गाइस आज बात करते हैं फाइनली गैलेक्सी J7H के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गैलेक्सी J7H के बारे में अभी 2-3 महीने तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, बट गाइस रिसेंटली हमारे को 2-4 चीज़ें पता चली सैमसंग गैलेक्सी J7H के बारे में जो कि बहुत ही चौंकनीय थी और बोल रही चौंका दे रही थी, तो क्राइम पेट्रोल काइंड ऑफ स्टफ। तो उन्होंने जो मेरे को बातें लाइक शॉक दिया वो था कि उसके अंदर आपको जो डिज़ाइन मिलने वाला है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और बहुत ही कम बजट के अंदर। तो ये सेकंड थिंग ये भी है कि आप लोग बोलते हो प्राइस ज़्यादा रहता है सैमसंग के फोन का। हाँ गाइस प्राइस सैमसंग का ज़्यादा रहता है बिकॉज वो एक प्रीमियम कंपनी थी जो आपको हमारे को इंडिया में दे रहे थे, लेकिन Xiaomi ने आने के बाद हमें सब बता दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सस्ते में भी बहुत अच्छा मिल सकता है, तो इसलिए आप सैमसंग भी थोड़ा डर के रह रहा है। तो इसलिए अगर वही वाली बात करी जाए जो सैमसंग का डिज़ाइन होगा इस बार J7H का वो होगा बहुत ही टॉप नॉच, नहीं उसके अंदर नॉच नहीं होगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एच डिस्प्ले। तो जो एच डिस्प्ले होगी वो होगी गैलेक्सी S9 एंड S8 जैसी। तो S8 में जैसे आपको एच डिस्प्ले देखने को मिलती है, S9 में देखने को मिलती है, वैसी आपको थोड़ी बहुत हद तक वैसी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल सेम वैसी तो नहीं, सेम आपको वैसी नहीं देखने को मिलेगी, और जो फंक्शनैलिटी होगी वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो एज आपको कॉर्नर्स राउंडेड कॉर्नर वो सब बिल्कुल सेम ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जो डिस्प्ले होगी वो काफ़ी हद तक वैसी होगी, लेकिन जो एजेस होंगी ना गाइस वो उतनी ज़्यादा मैं कहूँगा जितनी वो एज्ड होती हैं लाइक उनके जो राउंड्स होते हैं साइड में वो उतनी ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े सटल होंगे, थोड़े कम होंगे उनके मुकाबले। तो इसलिए सैमसंग का गैलेक्सी J7H की कॉस्ट जो होगी कम रहेगी। अगर आप लोग बोलते कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, नहीं गाइस कॉस्ट रहने वाली है कम, क्योंकि सैमसंग की जो अप्रोच है वो उनकी नॉच वाली अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे अपने फोन के अंदर नॉच इंप्लीमेंट करना बिकॉज दे नो इट्स एप्पल काइंड ऑफ अ थिंग, सो दे डोंट वॉन्ट देयर कंपनी टू बी लाइक एप्पल्स कॉपी कैट काइंड ऑफ अ स्टफ, सो दैट्स वाई दे आर जस्ट इंप्लीमेंटिंग देयर ओन स्टाइल विच इज एच डिस्प्ले। और अभी आपको लोगों को पता होगा कि रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर 18:9 मिलती है, लेकिन 18:9 जो इसकी डिस्प्ले गाइज अभी बहुत दिक्कतें हैं डिस्प्ले के अंदर जो मुझे लग रही हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने बताया मुझे, उसके बारे में मैं कवर करूंगा। तो गाइस अभी जो J7H है उसमें आपको बताया डिस्प्ले आने वाली बहुत ही बेहतरीन, और साथ साथ जो उसके अंदर आपको हार्डवेयर मिलने वाला है वो भी होने वाला टॉप नॉट अ नॉच, उसके अंदर आपको जो हार्डवेयर मिलेगा वो भी अच्छा होगा। तो जो स्नैपड्रैगन का 630 हो सकता है और 4GB की रैम हो सकती है, 64GB की स्टोरेज हो सकती है, और उसके अंदर शायद आपको ऑप्शन मिल सके 4GB 6GB वाला, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, बिकॉज दे नो दे हैव टू कम्पीट विद द रेडमी नोट 5 प्रो विच इज़ रियली 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 गुड स्टेप, एंड उन्हें पता है वीवो V9 भी आ चुका है, ओप्पो F7 भी आ चुका है। तो ये सारी मार्केट को ध्यान में रखते हुए सैमसंग एक बात ध्यान रखना है, इस बार जो भी फोन लॉन्च करेगी फोन का प्राइस होने वाला है बहुत कम, और फोन की जो स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लो, शायद अगर ये होता है 99% तो मेरी बात तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस यही सारी चीज़ें जो अभी तक पता है J7H के बारे में। आप लोगों अगर कोई भी कन्फर्मिटी है, अगर कोई भी चीज़ है मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अभी जैसे थोड़े दिन के अंदर शायद अगर ये फ़ोन आता है तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेंगे, गिव अवे भी कर लेंगे। तो 30,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले इन एडवांस, थैंक यू सो मच, बिकॉज ये वाला माइलस्टोन बहुत जल्दी हो गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो के अंदर, टिल द टाइम रेस्ट गाइस।